आगे बढ़ते हैं और अब खबर शामिल करते हैं इसे खेल से। हमारे रिपोर्टर आमिर नियाजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 2 में तामीराती काम में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। SDO बिल्डिंग और XCN बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई, जबकि हाल ही में तामीर होने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की दीवारों में भी दरारें, बच्चों की जिंदगियाँ दाव पर, खुलेआम करप्शन जारी। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन डिप्टी कमिश्नर मियांवाली महकमे और ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें, जबकि SDO बिल्डिंग अहमद हसन का कहना है कि कागजात में देखते हैं ठेकेदार कौन है, जबकि दूसरी तरफ महकमा बिल्डिंग का एक अफसर मंजूर वटो खुद ठेकेदार है जिसका ये काम है। मौके पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर खान नियाजी ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, बिल्डिंग बन रही है स्कूल की। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नाकिस मटेरियल का जो इस्तेमाल है वो दरजे से जारी है, सरिये निकले हुए हैं, सीमेंट की कोई रेशो नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। SDO बिल्डिंग और ठेकेदार की मिली भगत जारी है और ये नुकसानदेह जो बिल्डिंग इस वक्त तैयार हो रही है, ये बच्चों का मुस्तकबिल है, इसमें अफसरान बाला नोटिस लें।